ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश खुशहाल होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मुझे टाइम। तो दोस्तों, आज हमारा रूम होने जा रहा है चेंज। हमारा रूम हो रहा है कट कट कट। मुझे यहाँ नहीं जाना, गंदा हो रहा है। जी तो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा रूम अभी सही है बिल्कुल। अभी ये टूटेगा, इसकी फर्नीचर टूट जाएगी, फिर हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करवाएंगे, ये बन जाएगा, एक नया रूम बन जाएगा। तो हमारे साथ रहिएगा। मूसा, मूसा ये क्या हुआ? बेड कहाँ चला गया आपका? बाहर चला गया। खाली क्यों हो गया आपका रूम? मूसा का रूम क्यों खाली हो गया? सफाई करोगे? ये टूटेगा सब, ये नया बनेगा मेरे बेटे का। ये भी खाली हो गया, बेड भी हट गया, हर चीज खाली हो गई। मम्मा जी बोले इसको साफ करो। अभी साफ कर दी, मेरा बेटा कह रहा है इसको साफ करो, यहाँ डिवाइडर लगा हुआ था, मैं अभी साफ करती हूँ। ओके, नाश्ता कर ले पहले, भूख लग रही है बहुत जोर की। पोटी किया आपने? गाइस मुझे खांसी हो रही है, मम्मा नेबुलाइजर करेंगी। ओके अभी करती हूँ, नाश्ता कर लो फिर। सही है जी। तो मैंने बच्चों के टॉयज खिलौने ज़रा अभी इधर रख दिए थे, बैट खाली किया था क्योंकि ये छत टूटेगी तो सब धूल मिट्टी हो जाएगी। सारा सामान मैंने समेटा है, एक तरफ किया है। अभी अलमारियाँ भी खाली होनी है, फिर उसके बाद टूटेगा ये। अब मेरी टूटना शुरू हो गई है छत, पूरी छत टूटेगी, फिर इसके छत के टूटने के बाद टूटेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखो कैसे छत टूटती है। सीलिंग है इसकी, ओह माय गॉड, ये टूट गई छत हमारी सारी। चले आए मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारा कमरे की छत टूट के कैसी लगी है। ये देखें कैसी दिखती है, पूरी छत हमारी टूट चुकी है। अभी इसमें वायरिंग वगैरह हुई थी जैसे लाइटिंग वगैरह थी, अभी पूरी कमरे की हालत बड़े ख़राब हो रही है। सारा सामान इधर रखा है मैंने बीच में, बहुत सारा सामान क्योंकि अलमारियां खाली की थी तो उनका सामान इधर आया है। ये पहले का सामान रखा हुआ है, ये तो जो बच्चों का रखा था, उसके बाद काफ़ी सारा सामान ये है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़, ये बेड इधर रखा हुआ है और ये देखें ये हमारा खाली हो चुका है। ये सब सामान जो ऊपर का था थोड़ा डिनर सेट वगैरह, वो मैंने इधर रख दिया अभी क्योंकि ये अलमारी टूटेगी, ये वाली टूटेगी और ये वाली इधर बनेगी अलमारी, क्योंकि ये ज़रा एल शेप में थी तो इसलिए ये टूटेगा। और ये वाली जो अलमारी है ना, ये ऐसी ही रहेगी, ये ऐसी रहेगी और इसी की सीध में ना ये वाली अलमारी आ जाएंगी, इसकी इस जगह जो जगह खाली है ना, जहाँ स्टूल है और ये गद्दा रखा हुआ यहाँ आएगी। तो अभी देखें इंशाल्लाह ताला कल से काम शुरू होगा, देखते हैं पहले अलमारी बनेगी कि क्या बनेगा। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।